केदार सभा केदारनाथ धाम के अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ संचालित हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रशंसा की। केदारनाथ धाम के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र के निचलौली गौरीकुंड व सोनप्रयाग में आई दैवीय आपदा के प्रति त्वरित राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की तीर्थ पुरोहितों ने सराहना के साथ उनका आभार भी व्यक्त किया। जब ये 31 तारीख को लिंचोली भीमबली और गौरीकुंड सोनप्रयाग में ये आपदा आई तो उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जो श्री केदारनाथ धाम का हवाई दौरा किया और अपना सोनप्रयाग लिंचोली वगैरह दौरा किया, उस पर बहुत ही तत्परता से ऐसा रेस्क्यू शायद से पहली बार हुआ है और उनका पूरा रेस्क्यू सफल रहा। और आज सीएम साहब का सोनप्रयाग फिर दौरा था तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया जल्द 10 से 15 दिन में वो पैदल रास्ता भी खोलेंगे और यात्रा फिर सुचारू होगी और हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हेलीकॉप्टर द्वारा यात्री अभी दर्शन के लिए जा पाएंगे और उनको किराए में 25% की छूट भी होगी। लेकिन इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से जो काम दिखाया, प्रशासन शासन NDRF SDRF ने जो काम दिखाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी रखी है जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजे की भी जल्द आप घोषणा